साउथ के सुपरस्टार थालापति विजय ने क्या छोड़ दी एक्टिंग? थालापति विजय क्या आप नहीं करेंगे फिल्मों में काम? क्या बात कर रहे हैं? थालापति विजय ने क्या फिल्मों से ले लिया संन्यास? अरे कहना क्या चाहते हो? ये बात कितनी सच है कितनी झूठी है तो थालापति विजय ही अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज एक ऐसी खबर आई जिससे थालापति विजय के फैंस एकदम खुश हो गए। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले सुपरस्टार थालापति विजय ने पॉलिटिक्स में कदम रख दिया है। जी हां, थालापति विजय ने आज ही अपनी पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान किया जिसका उन्होंने नाम रखा है तमी जगह वेतरी का जगम। सुपरस्टार थालापति विजय ने कहा कि उनकी पार्टी का चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन जो है हो चुका है और इसकी प्रोसेस जो है काफी सारी कंप्लीट हो चुकी है और उनकी पार्टी जो है 2026 का तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, उनका फोकस उसी चुनाव पर रहेगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके थालापति विजय ने कहा कि पार्टी को जो है इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। मैं विनम्रता पूर्वक आप सबसे कहना चाहता हूं कि पार्टी की जो है सामान्य परिषद और एक जो कार्यकारी समिति है वो जो है 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में ना लड़ेगी ना ही किसी और पार्टी का समर्थन करेगी, उनका फोकस पूरी तरह से 2026 तमिलनाडु विधानसभा इलेक्शन पर रहेगा। विजय ने आगे कहा कि राजनीति कोई प्रोफेशन नहीं है बल्कि एक पवित्र जनसेवा है। तमी जगह वेतरी कजगम का जो अर्थ होता है, जो उनकी पार्टी का नाम है, उसका अर्थ होता है तमिलनाडु विजय पार्टी। तो उनकी इस घोषणा के बाद उनके जो फैंस हैं उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कुछ समय से ये अटकलें लगाई भी जा रही थी कि थालापति विजय जो है वो पॉलिटिक्स में कदम रख सकते हैं और आज उन्होंने ऐलान कर भी दिया। थालापति विजय ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी के काम को प्रभावित किए बिना जो मैं फिल्म कर रहा हूं उसे पूरा करने का फैसला किया है जिसके लिए मैं पहले ही कमिटमेंट दे चुका था। तो थालापति विजय का अगर वर्कफ्रंट की बात करें तो कुछ समय पहले ही विजय ने अपनी फिल्म गोट का ऐलान किया था। इस फिल्म में उनके साथ प्रभु देवा, प्रशांत और अजमल नजर आने वाले हैं। तो इस फिल्म को पूरा करने के बाद वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को और बढ़ाने में जुट जाएंगे। इसका पोस्टर भी कुछ दिन पहले ही विजय ने जारी किया था फिल्म गोट का। विजय का कहना है कि वो जनसेवा की राजनीति में पूरी तरह से खुद को झोंक देंगे। उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु के लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि थालापति विजय ऐसे पहले एक्टर नहीं है जिन्होंने फिल्में छोड़कर पॉलिटिक्स में कदम रखा हो। थालापति विजय से पहले साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी लेकिन बाद में हेल्थ इश्यूज के कारण उन्होंने उसे भंग कर दिया। वहीं तमिलनाडु के दो फॉर्मर सीएम एमजीआर और जयललिता भी पॉलिटिक्स में आने से पहले फिल्मों में ही काम किया करते थे। तमिलनाडु की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एआईएडीएमके बनाई, बाद में जयललिता भी उसी पार्टी से तमिलनाडु की सीएम बनी, एमजीआर भी उसी पार्टी से सीएम बने थे तमिलनाडु के। तो आपको कैसा लगा थालापति विजय का यह डिसीजन पॉलिटिक्स में आने का, कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। और थालापति विजय के फैन है तो कमेंट्स में उनके नाम पे आई लव यू थालापति विजय भी लिख के जाइएगा। और इसी तरह की तमाम फिल्मों से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा मेरा चैनल फिल्मी आदमी।